Gadkari to please address this august gathering. भारताचे महामहिम उपराष्ट्रपती परमादरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती डॉक्टर धनखड़, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्राचे माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी, प्रकुलगुरु डॉक्टर संजय दुधे, या कार्यक्रमात विशेष रूपाने उपस्थित असणारे नागपूर विद्यापीठाचे पूर्व कुलगुरु डॉक्टर पठान, डॉक्टर सपकाळ, डॉक्टर काणे, विद्यापीठाशी संबंधितच पण ज्यांनी नागपूर विद्यापीठाशी ज्यांचा संबंध राहिलेला आहे, पण आपल्या संत गाडगे महाराज विद्यापीठ अमरावती त्याच्या पूर्व कुलगुरू डॉक्टर कमल सिंग, पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर निंबाळकर, संत गाडगे महाराज अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर, आणि विशेषतः या विद्यापीठाशी ज्यांचा संबंध राहिलेला आहे असे माजी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती शिरपूरकर साहेब, सर्व आदरणीय अतिथिगण आणि उपस्थित सर्व बंधूंना आणि भगिनींना, माझं भाषण उपराष्ट्रपतींनाही समजलं पाहिजे म्हणून मी हिंदीत बोलतो आहे। सबसे पहले मैं उपराष्ट्रपति जी का इस शहर में मनपूर्वक स्वागत करूंगा। सर, ये नागपुर देश का हृदय स्थान है और 0 माइल नागपुर से शुरू होता है। नागपुर ये ऑरेंज सिटी करके भी प्रसिद्ध है और टाइगर कैपिटल भी करके भी प्रसिद्ध है। इस शहर की विशेषता है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी भूमि पर ली है। पूरे दुनिया में जो उन्होंने वैचारिक क्रांति की उसकी शुरुआत इस पवित्र दीक्षा भूमि पर उनने भगवान गौतम बुद्ध जी को साक्षी रखकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पूरे विश्व में प्रसिद्ध संगठन हुआ है जो सबसे शक्तिशाली रूप में आज आया है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी नागपुर में हुई है और इसी हॉल के पीछे में डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि है। नागपुर का सामाजिक राजनीतिक इतिहास बड़ा रोचक है और उसी प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी का भी इतिहास बहुत पुराना है। 100 साल हमारी यूनिवर्सिटी ने पूरे किए हैं और हमारी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि मैं हूँ, देवेंद्र जी है, हमने अपने जीवन की शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी से की है। मैं इमरजेंसी में 75 में पहली बार कॉलेज के प्रथम वर्ष में आया था, तब इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी और उसकी लड़ाई शुरू हुई वहाँ से इमरजेंसी के खिलाफ। तो छात्र नेता के रूप में इस यूनिवर्सिटी में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। इस यूनिवर्सिटी में अनेक महानुभाव, जिसका आप देवेंद्र जी ने डिटेल में जानकारी दी है, पर जस्टिस हिदायतुल्ला जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो हमारी यूनिवर्सिटी से थे। हमारे नरसिंह राव जी जो देश के प्रधानमंत्री बने वो हमारी यूनिवर्सिटी से थे। शरद बोबड़े जी जो चीफ जस्टिस शिरपूरकर साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यशस्वी रूप से काम किया, वो हमारी यूनिवर्सिटी के रहे। साहित्यिक, विशेष रूप से अनेक कवि और विविध क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे असामान्य अनेक व्यक्ति जिन्होंने इस विद्यापीठ के नाम को गौरवान्वित करने का कार्य किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस विद्यापीठ का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी जी, उनके अनुरोध पर मैंने भी आपसे अनुरोध किया था कि जब ये शताब्दी समारोह का समाप्त करने के बारे में विषय आया तो किसको बुलाना चाहिए, तो हम सबके मन में यह आया कि आपको बुलाना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ और आप सबको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरा धनखड़ जी का बहुत पुराना परिचय है। वो आज राज्यसभा में हमारे प्रमुख है, राज्यसभा में उनके अनेक बार अनेक बातें हमको सुनने को मिलती है।
पर धनखड़ जी की एक बड़ी विशेषता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े यशस्वी एडवोकेट रहे हैं और अनेक केसेस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी हैं वो आज भी रिकॉर्ड पर हैं। मुझे अनेक बार ऐसा मौका मिला है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस में जब ऐसी आवश्यकता लगी तो उनका मार्गदर्शन लेने का मुझे उस समय अनेक बार अवसर मिला है। बहुत ही विद्वान, डाउन टू अर्थ और गांव गरीब मजदूर और किसानों की समस्या को समझने वाले हैं। राजस्थान के एक किसान परिवार से एक प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ते हुए उन्होंने नाम कमाया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के रूप में राज्यसभा में तो विशेष रूप से वो मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में, और आज वो विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बात निश्चित है कि शिक्षा का सार्वत्रिकरण होना चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं है, पर सार्वत्रिकरण होने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी निरंतर बढ़नी चाहिए। स्वाभाविक रूप से नॉलेज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। मैं अक्सर ये मानता हूँ कि आज दुनिया की प्रगति और विकास जिन जिन देशों का हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो उन देशों ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च में और एजुकेशन और नॉलेज में जो सफलता हासिल की है वो उनके यश का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। हमारे विद्यापीठ की भी विशेषता ये है कि विशेष रूप से हमारे विदर्भ के सभी प्रकार के विकास में साहित्य हो, संस्कृति हो, कला हो, हमारे यहाँ हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, हमारे यहाँ का इंजीनियरिंग हो, सब बातों में हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सर विश्वेश्वरैया जी जो थे उनका नागपुर से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा, उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन इस यूनिवर्सिटी को दिया है। जो लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है LIT, जिसको अभी महाराष्ट्र सरकार ने और विशेष रूप से देवेंद्र जी ने इनिशिएटिव लेकर स्वायत्तता दी है, उस LIT से देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ से तैयार हुए हैं। हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो इतना महत्वपूर्ण है कि बीच में वहाँ के विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा था तो कम से कम 40 से 50 हज़ार करोड़ का टर्नओवर जिन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है उसके मालिक हमारे इस नागपुर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट से प्रशिक्षित होके गए हुए हैं। हमारा विदर्भ क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा, और अमरावती ज़िले में भी फॉरेस्ट है। हमारे महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स हमारे यहाँ हैं, मैग्नीज है, कोल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ हमारे यहाँ मिहान करके एक नया प्रकल्प शुरू हुआ है। देवेंद्र जी और मैं दोनों की हमारी इच्छा है कि हमारे यूनिवर्सिटी से तैयार हुए कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख तरुण विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी से, विदर्भ से संबंधित, इनको मिहान में रोजगार मिले। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अक्सर इसके नाम से आंकड़े लिख कर रखते रहता हूँ कि कहाँ तक, अब 60,000 तक हम पहुँचे हैं, और जल्दी ही TCS आया, टेक महिंद्रा आया, और SCL आया, और इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है कि नागपुर ये IT हब भी होगा। जो एविएशन है, जो राफेल है, ये राफेल अब नागपुर में बनने वाला है। इसका भी पहले 250 राफेल फ्रांस से आने वाले थे, पर इसके बाद जो डोसाल्ट करके कंपनी जो फॉल्कन जेट बनाती है वो यहाँ अपना उन्होंने काम शुरू किया है, और वैसे भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक हम बनाएंगे, प्रोसेस में है। जो एयरबस और बोइंग कंपनी है, इसमें टाल नाम के टाटा की कंपनी, और दोनों कंपनियों के करीब 1200 पार्ट्स जो हवाई जहाज में यूज़ होते हैं वो नागपुर में बनते हैं। हमारे यहाँ विशेष रूप से नागपुर के
औद्योगिकरण का संबंध विदर्भ के विकास के साथ है। जो गढ़चिरौली जिला है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, बीच में नक्सलाइट मूवमेंट्स के कारण एक प्रकार से बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं थी। अब वहाँ उद्योग व्यवसाय की शुरुआत हुई है और स्वाभाविक रूप से हमारे यूनिवर्सिटी से और विद्यापीठ से ये अपेक्षा है कि हमारे यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और औद्योगिक विकास में हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, विद्यापीठ से हमको नई विजन कैसे मिलेगी, जो प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से तैयार होंगे उनको रोजगार कैसे मिलेगा, और इसलिए यूनिवर्सिटी और यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ हम लोग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स ये लगातार प्रयास करते रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विद्यापीठ का हमारे इतिहास में, पूरे विदर्भ के इतिहास में, क्योंकि महाराष्ट्र में विदर्भ ये थोड़ा यहाँ भी आपको पता ही है कि विदर्भ, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोकण विकास के लिए मैं करीब 18-20 साल महाराष्ट्र के विधानमंडल में था, तो विदर्भ के साथ अन्याय होता है इस बात को लेकर हम काफ़ी संघर्ष करते हुए आए हैं। विदर्भ का सर्वांगीण विकास हो ये हमारी सबकी अपेक्षा भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी, संत गाड़गे महाराज यूनिवर्सिटी अमरावती यूनिवर्सिटी, और अब गोंडवाना यूनिवर्सिटी ट्राइबल क्षेत्र में हमारे यहाँ तीन यूनिवर्सिटी विदर्भ को मिली है, और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ कृषि विद्यापीठ है। ये चारों विद्यापीठों के द्वारा यहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए भविष्य की विजन कैसी हो, रिसर्च कैसा हो, एजुकेशन कैसा हो, ट्रेनिंग कैसा हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे खुशी है कि आज आप विशेष रूप से यहाँ आए, और ये जो राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज है ये हमारे लिए बड़े प्रेरणा का स्त्रोत्र है। हम बचपन में उनके भजन सुनते थे, मनी नहीं भाव मने देवा मले पाओ, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही, दगडाचा देव तेले वज्राचे भेव, सोन्या चांदीचा देव तेले चोराचे भेव, देव अशाने भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। हमारे डॉक्टर पठान साहब ने उनके कार्यकाल में ये राष्ट्र संत जी का बहुत, राष्ट्र संत तुकड़ो जी का बहुत अच्छा गीत हमारी यूनिवर्सिटी को दिया है, और तुकड़ो जी महाराज का जीवन, उनकी रचनाएं आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। उनकी प्रेरणा, ग्रामीण विकास की कल्पना और प्रबोधन प्रशिक्षण करने में हमारी गांव की भाषा में उन्होंने की हुई रचनाएं अमर हैं। उनकी बहुत बड़ी मान्यता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी है, और ऐसे राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज के नाम से ये नागपुर यूनिवर्सिटी है। एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी जिम्मेदारी उसके कारण यूनिवर्सिटी के ऊपर है, और आर्थिक, शैक्षणिक और विशेष रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास करने की अपेक्षा भी है। बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे तरीके से मनाया, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यापीठ में हुआ, और आज ये शताब्दी महोत्सव के समारोह के लिए आप आए, ये हम सबका परम भाग्य है। मैं फिर से एक बार हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप इसलिए हमारे इस कार्यक्रम में आए, और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।